हम आज के इस लेसन में CSV फाइल को राइट कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ये बिल्कुल हमारे पास रीड की तरह ही काम करता है, सिर्फ इसके अंदर इसका फॉर्मेट, जिसके अंदर मोड इसका जिसमें हमें ओपन करना है, उसको चेंज किया जाता है। और जस्ट एक चेंज किया जाता है कि रीड की जगह पे राइट का फंक्शन हम लिखते हैं और हमारा जो सारे का सारा काम है, बाकी जो कोड है, वो बिल्कुल रीड की तरह ही काम करता है। इसको राइट करने के लिए हमारे पास CSV जो मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल, उसके जरिए से मैंने इसको राइट किया। और कोड मैंने पहले से सिर्फ इसलिए लिखा है कि समटाइम फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस का जो सेंटेक्स है वो गलत होने का चांस हो जाता है। सबसे पहले हमने इम्पोर्ट करना है अपने उस बिल्ट इन मॉड्यूल, CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। सेकेंड उसके बाद वो हेडिंग्स जो हमारे कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी, मैंने उसको फील्ड्स का नाम दिया और स्टोर कर लिया अपने पास एक लिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई है जो कि कोमा सेपरेटेड है, निकली निखिल CO 2.9.0 सांचती COE 2.9.1। तो ये तमाम के तमाम मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट कर ली है अपने पास, जो कि हर रो के अंदर, ये एक्चुअल में एक लिस्ट एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने वो दो चीजें लिख ली जिनको हमने राइट अप करना है अपनी फाइल के अंदर। नाउ जो सबसे मेन टास्क है, हमने कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल को हमने नाम दे लिया फाइल नेम के अंदर। ये हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के नाम से CSV फाइल क्रिएट कर ली गई। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल हमारे रीड की तरह के हैं, विद हमारा कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शंस को और ऑटोमेटिक फाइल की क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। ओपन के फंक्शन के जरिए से हम उस फाइल, जो भी फाइल है, उसको हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे एक बात की, अगर फाइल नेम हम यहाँ पर ना भी दें, अगर इसको हम इस पॉइंट पे दे लें तो भी हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम करेगा। हमारा जो मोड है वो राइट का, और हमने हैंडलर क्रिएट कर लिया CSV फाइल। CSV फाइल के बाद हमने उस फंक्शन की कॉल की जिस फंक्शन के जरिए हमने राइट करना है, उसको हमने हैंडलर पास किया। नाउ हमारा फंक्शन के पास हमारा हैंडलर आ चुका है, जिस हैंडलर ने किस मोड में और किस फाइल को राइट करना है दोनों को वो हैंडल कर रहा होगा। CSV फाइल हमारा ये हैंडलर है जिसके अंदर हमारी फाइल जो पड़ी है वो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के नाम से फाइल है, और उसको किस मोड में हैंडल करना है, इसको राइट के मोड में हैंडल करना है। ये हमारा काम CSV फाइल का हैंडलर करेगा। नेक्स्ट हमारा काम है, सबसे पहले हमने उसकी फील्ड्स को, रिकॉर्ड को प्रिंट आउट करवाना है, तो CSV.write रो फील्ड्स हमारा ये चीज राइट की जाएगी। देन सेकंड पे हमारे पास CS राइटर के जरिए से जो भी हमारा डेटा हमने राइट करना है उसको हम राइट करेंगे, वो चीज हमारे पास हमारी फाइल के अंदर राइट अप हो जाएगी। ये हमारी चीज फाइल के अंदर राइट हो चुकी है। हमारा जो भी था डेटा, वो सारे का सारा डेटा हमारे पास, ये हमारी हेडिंग्स आ गई, फील्ड्स जो हमने नाम दिए हुए थे, ये हमारी हर रो का डेटा हर सेल के अंदर उनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि अगर हम इसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर डेटा को कम करके चेक करते हैं, अगर कि वो हमें एरर क्या देगा, क्या वो सही से प्रिंट आउट करता है कि नहीं करता। उसने बिल्कुल ठीक ठाक प्रिंट किया, देखते हैं हमारे पास ने क्या चीज स्टोर की होगी। हमने दरमियान से चीज रिमूव की, लेकिन उसने जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी उसको एक सेल पहले मूव करवा दिया। इट मींस हमारे डेटा को गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं अगर हम तमाम के तमाम वैल्यूज को फिल अप नहीं करेंगे। तो जो भी हमारे पास स्पेस पोजीशन आएगी उसकी जगह पे हमने उसकी उस हेडिंग के नीचे वो हमने उसकी वैल्यू लाजमी प्लेस करनी है। नाउ हमने वहां पे स्पेस प्रोवाइड कर दी, तो उसने वहां पे कुछ भी स्टोर नहीं किया, उसने तमाम वैल्यू नेक्स्ट सेल में मूव करवा दी। अब हमारे तमाम डेटा, अगर किसी सेल में वैल्यू नहीं भी आया तो वहां पे हमने स्पेस राइटअप करवा दिया। सेकंड जो वे हमारे पास फाइल को राइट करने का, वो भी इसी के CSV मॉड्यूल के जरिए से, लेकिन जस्ट फंक्शन की चेंजिंग है हमारे पास। अब हमारा जो फंक्शन है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में चीज को राइटअप करेगा, ना कि लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर। हमारी डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ब्रांच उसके साथ में COE CGPA 9.0 नेम, ये हमारी तमाम के तमाम ब्रांच CGPA नेम ईयर, ये हमारी फील्ड्स के नेम थे, और आगे उनका तमाम की वैल्यू लिखी हुई है। हमारे फील्ड नेम आगे, फाइल नेम हमने क्रिएट कर लिया, हैंडलर क्रिएट किया, जस्ट डिक्शनरी के जो डिक्शनरी राइटर का जो फंक्शन है उसमें हैंडलर और साथ ही हैंडलर के फील्ड के नेम पास करने हमने। बाकी हमारे पास राइट डॉट राइट हेडर्स, राइट डॉट राइट रोज, राइट हेडर हमारी फील्ड को राइट अप करेगा, राइट रोज हमारी डिक्शनरी की तमाम वैल्यूज को हर हेडिंग के अगेंस्ट, हर हेडर के अगेंस्ट में राइट अप करेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा इस केस में, वो मुझे अब क्या आउटपुट देगा,
उसने हमें वही आउटपुट दी कि नेम के अगेंस्ट में वो नेम सारे राइटअप हो गए, ब्रांच के अगेंस्ट में ब्रांच, ईयर के अगेंस्ट में ईयर और सीजीपी के अगेंस्ट में सीजीपी राइटअप हो गए। ये दो तरीकेकार थे हमारे पास एक सीएसवी फाइल को राइट कैसे किया जाता है।